बुलेटिन में सबसे पहले बात बीजेपी के मैराथन मंथन की करेंगे। महामंथन बीजेपी में लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव में एक तरफा आशीर्वाद जनता देने वाली है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से ये बड़े बयान सामने आए। उन्होंने कहा 2024 में जनता क्लीन स्वीप के लिए बैठी है। रणनीति को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। आज पार्टी की कई बैठकें ली। प्रदेश में लाल डायरी की भी चर्चा है, तो जेपी नड्डा ने भी लाल डायरी का जिक्र जरूर किया। मिशन राजस्थान के तहत कोर टीम से बात की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में महिलाओं का अपमान हो रहा है, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर हैं। महामंथन लगातार जारी है, कई बैठकें उन्होंने की और उसके बाद उन्होंने ये तमाम बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की वापसी हो रही है और सत्ता विरोधी लहर है, सत्ता को जनता उखाड़ फेंकेगी। मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में एक तरफा आशीर्वाद राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है और इसके साथ साथ 2024 में हमारी लोकसभा में क्लीन स्वीप के लिए लोग आतुर बैठे हैं, ऐसा मैं आश्वस्त हूं। मैं आज राजस्थान में चारों तरफ एक ही गुंज है, एक ही स्वर है, एक ही नारा है, जीतेगा कमल, खिलेगा कमल। पीएम मोदी के बाद नड्डा ने बढ़ाया जोश। इस पार्टी को आप मजबूती देने का काम कर रहे हैं और ये विश्वास है कि राजस्थान में अब तक की ऐतिहासिक मैंडेट के साथ बहुमत के साथ सरकार बनेगी। 13 दिन में जेपी नड्डा का दूसरा जयपुर दौरा। आगामी समय में पार्टी के आने वाले कार्यक्रमों के रोडमैप को लेकर बहुत विस्तृत चर्चा हुई। कांग्रेस सरकार पर तंज, जीत का बढ़ा भरोसा। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुन गई। परिवर्तन यात्राओं के साथ कांग्रेस पर प्रहार। राजस्थान में जिस तरीके से कानून व्यवस्था लचर हुई है, उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। और आज माननीय अध्यक्ष जी की इस बैठक के बाद हम सब लोग आगामी जो रोड में बना है, रूपरेखा बनी है, और मुस्तैदी से और तेजी से पार्टी इन कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने का काम करेगी। जुलाई महीने में पीएम के दो दौरे के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दूसरा जयपुर दौरा मिशन राजस्थान के लिए खासा अहम है और चुनाव से ठीक पहले मिला बड़ा मुद्दा बीजेपी का जोश बढ़ा रहा है। जयपुर में मोती डूंगरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के साथ ही कोर कमेटी की बैठक भी ली। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर आगामी रणनीति पर मंथन हुआ। जन आक्रोश यात्रा से लेकर नहीं सहेगा राजस्थान, 1 तारीख को जयपुर में होने वाला बड़ा कार्यक्रम और आगामी अगस्त सितंबर आगामी आने वाले महीनों में कार्यक्रमों की रोडमैप और रूपरेखा बनी। नहीं सहेगा राजस्थान का 1 तारीख का प्रोग्राम है, उसके बाद में अगस्त में पार्टी के विधानसभा स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर, शक्ति केंद्र स्तर पर अनेक कार्यक्रमों की रचना बनी है। पार्टी की यात्रा भी निकलेगी, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही राजस्थान बीजेपी द्वारा निकाली जाने वाली परिवर्तन यात्रा का रूट और यात्रा का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर भी मंथन हुआ। कहना गलत नहीं होगा कि पीएम के बाद जेपी नड्डा के दौरे से अब बीजेपी विधानसभा चुनाव में बड़े जीत के दावे कर रही है। राजस्थान तो एकजुट है, सब लोग पार्टी के कामों में, पार्टी का व्याप बढ़ाने के लिए, पार्टी के कार्यक्रमों में सब लोग साथ हैं और सभी हम लोग प्रयास यही है हमारा कि हम सब वरिष्ठ लोगों के, नेताओं के मार्गदर्शन में इस पार्टी को और मजबूती देने का काम कर रहे हैं और ये विश्वास है
कि राजस्थान में अब तक की ऐतिहासिक मैंडेट के साथ बहुमत के साथ सरकार बनेगी, ये जनता का मन बन गया है। कांग्रेस पार्टी जो भी कारनामे किया है और उनके स्वयं मंत्री कह रहे लाल डेयरी के बारे में, तो इनका लोगों का पूरा विश्वास उन लोगों ने खो लिया है, विश्वसनीयता खत्म हो गई है। आपको बता दें कि 9 और 10 जुलाई को बीजेपी की सवाई माधोपुर में विजय संकल्प बैठक में प्रदेश परिवर्तन यात्राएं निकालने का कार्यक्रम तय हुआ था। दरअसल कांग्रेस सरकार पर दबाव डालने के लिए बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकालने की योजना बनाई है। इन यात्राओं में एक यात्रा डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम से, तो दूसरी हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी और तीसरी सवाई माधोपुर से निकाली जा सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर समेत पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला। सीपी जोशी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस है। वहीं उनके बयान पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पलटवार भी किया। सुनिए क्या कहा। कैंपेन आज आप लोग बैठे हैं तो आप लोगों के माध्यम से ध्यान में आया कि आज राजस्थान में 20 जिलों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो रेप और हत्या, दुष्कर्म, तुष्टीकरण इस घटनाओं से प्रेरित है। मैं सोचता हूं राजस्थान में जिस तरीके से कानून व्यवस्था लचर हुई है, उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। निश्चित रूप से महिला अपराध पर और दुष्कर्म की घटनाएं जो बढ़ी है राजस्थान में, और पिछले 3 वर्षों में तो राजस्थान देश में एक नंबर पर पहुंच गया है, और उसमें कुछ लोग मणिपुर की घटना को लेकर बार बार जिक्र करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कड़ा और सख्त रूप उस पर अपनाया है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? दो पक्ष हैं, एक तरफ आप कहते हो 59% दुष्कर्म की घटनाएं फर्जी पाई जाती है सबके बीच में। देखिए, कोई भी जो अपोजिशन पार्टी होती है उनका काम होता है कि एलिगेशन लगाना। आप भी प्रेस वाले हो, आप जाकर देखोगे कहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम है। जहाँ भी होती है सरकार उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए वचनबद्ध है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर सरकार की और खास करके चीफ मिनिस्टर की कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे, और राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को हमने मेंटेन रखा है। उनको हमारे ऊपर बात करने की बजाय वो ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है। मणिपुर में उनकी गवर्नमेंट है, वहां क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं वहां की बात कर रहे? क्या हो रहा है J&K में, क्या हो रहा था और जगहों में? तो उनके भी ध्यान को रखकर ऐसा नरेटिव जहां मैनेजमेंट करनी वो अच्छी बात नहीं है। एक नेशनल पार्टी है और 10 साल से तकरीबन 9 साल से राज कर रही है, ऐसे दूसरों के ऊपर एलिगेशन लगाकर भागना नहीं चाहिए। और अब बात करेंगे कांग्रेस में नियुक्तियों की। कांग्रेस में नियुक्तियों का दौर लगातार जारी है। पार्टी ने मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां की हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर ये नियुक्तियां की गई। 77 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की लिस्ट जारी की गई। ब्लॉक अध्यक्षों की पार्टी पहले ही घोषित हो चुकी है। तो एक और नियुक्तियों का लिस्ट जारी किया गया है। लगातार चुनावी साल में कांग्रेस की ओर से नियुक्तियां की जा रही हैं। पार्टी ने मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां कर ली हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक और नियुक्ति की लिस्ट जारी कर दी है और कुल 77 मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2023 के चुनाव के लिए सबसे अहम राज्य राजस्थान पर फोकस करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का गठन कर लिया है। केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का संगठन में उपाध्यक्ष का पद बरकरार रखा गया है। नड्डा की नई टीम में कुल 38 लोगों के नाम शामिल हैं, जिनमें नए और पुराने लोगों का समन्वय है, तो कुछ बड़े चेहरों की टीम से छुट्टी भी की गई।
तो बीजेपी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की है। कई लोगों के नाम जहां लिस्ट में जोड़े गए हैं तो कई दिग्गजों के नाम इस लिस्ट से हटा भी दिए गए हैं। तो वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बरकरार रखा गया है। एक बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी 2024 को लेकर वसुंधरा राजे को सौंपी गई है। सुनील बंसल को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। साथ ही डॉक्टर अलका गुर्जर को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। फिलहाल हम करेंगे गठबंधन। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि अपराध में राजस्थान नंबर वन पर है। कांग्रेस और बीजेपी इसके लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं। दोनों पार्टियों ने मिलकर राजस्थान में सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। बेनीवाल की ओर से ये बड़े आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां मिली हुई हैं। कांग्रेस और बीजेपी वाले सर्वे करते हैं, सभी सर्वे फेल हो जाएंगे। तो हनुमान बेनीवाल ने जमकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। सुनिए क्या कहा। अब तो जब हम लोकसभा चुनाव बैठते हैं वहां पे तो लोग कहते हैं अपराध जो राजस्थान में हुआ होगा। एक जमाना था कि हम अपराध के अंदर 23वें पायदान पे थे, आज अपराध में राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार को आगे छोड़ता हुआ नंबर एक पे आ गया। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो राजस्थान में वसुंधरा गहलोत का गठबंधन जिम्मेदार है, जिन्होंने 1998 से लेकर 2023 25 साल तक राजस्थान के अंदर शासन किया, मिला जुली का खेल रहा। मुझे अच्छी तरह याद है 2008 के अंदर जब अशोक गहलोत की सरकार पड़ी थी तब इन्होंने कहा था कि 90B के वसुंधरा घोटालों की जांच कराएंगे, जितने भी भ्रष्टाचार हुए चाहे उनके ओएसटी का कालीन चोरी का मामला हो, चाहे जमीनों का घोटाला जिसमें सिंह और इनका इन्वॉल्वमेंट था, मंत्री थे उस समय यूडीएच के, और 8 में माथुर आयोग बनाने के बाद उसमें कमी रखी और माथुर आयोग की टाइम टाइम फिक्स हो गई। फिर 13 तक चला, 13 में फिर वसुंधरा आई, फिर जो 8 से 13 की सरकार थी उसके लोगों की मदद करी, और 18 में फिर अशोक गहलोत आए जो आपकी एक पूरा बहुमत जिस सरकार को प्राप्त नहीं था, और फिर बड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार करके बीएसपी को तोड़ा, अन्य पार्टियों को तोड़ के लगातार 4.5 साल इन्होंने अपनी सत्ता बचाए रखी। उनके लिए यह आवश्यक था कि राजस्थान की सत्ता में वो बैठे रहे, और पायलट के लिए यह जरूरी था कि वो सीएम कैसे बने, इसलिए वो इधर घूमते रहे। अशोक गहलोत सत्ता का ध्यान रखते रहे, विधायकों को मंत्रियों को खुली छूट लूट की दे दी, उसका परिणाम ये हुआ। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में आज से C20 का 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आगाज हुआ है, जिसमें दुनिया भर के एक्टिविस्ट और राजदूत मौजूद रहे। C20 समिट में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए। रक्षा मंत्री ने कहा कि C20 सम्मेलन में दुनिया भर में भारत की वसुधैव कुटुम्बकम नीति को प्रसारित किया जा रहा है। दुनिया भर में समाज सुधार के लिए शिक्षा, लैंगिक समानता लाने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर देने की आवश्यकता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज से C20 की शुरुआत हो गई है राजधानी जयपुर में। इसका आयोजन किया जा रहा है जहां पर दुनिया भर के एक्टिविस्ट और राजदूत पहुंचे हुए हैं। 3 दिनों तक ये सम्मेलन चलने वाला है, जहां पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे। अगली खबर का रुख करेंगे अंजू, जिसका जिक्र पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी चल रहा है। अंजू का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अंजू नसरुल्लाह के रिश्तेदारों से गिफ्ट लेती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि अंजू को नसरुल्लाह से निकाह के बाद गिफ्ट दिया जा रहा है। हालांकि अंजू खुद अभी तक इस शादी से इंकार करती रही है और उसका कहना है कि वो जल्द ही भारत लौटेगी, लेकिन नए वीडियो ने एक बार फिर से अंजू को सुर्खियों में ला दिया है। अब तो सवाल उठ रहे हैं कि अंजू बार बार झूठ क्यों बोल रही है। 2 दिन पहले ही अंजू और नसरुल्लाह का साथ खाना खाते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ था। तो अब एक और नया वीडियो अंजू का सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। लगातार पाकिस्तान
से एक एक नए वीडियो सामने आ रहे हैं। ये वीडियो दौरान के आपको दिखा रहे हैं जब कहा जा रहा है कि निकाह के बाद अंजू नसरुल्ला के साथ खाना खा रही थी, तो वही नया वीडियो सामने आया जहां पर अंजू गिफ्ट लेते हुए नजर आ रही है। अगली खबर का रुख करेंगे राजसमंद के देवगढ़।